आज हमारा पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि आज आपकी पॉलिटी जो आपके आरआरबी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम सारे खत्म कर दें। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आपको मतलब एक अपना एक सबको स्टडी प्लान बनाना है, बिकॉज एवरीवन हैज गॉट हिज हर ओन यू नो माइंड पावर्स और मतलब एक स्ट्रेंथ होती है माइंड की, मेमोरी स्ट्रेंथ होती है, तो उसके हिसाब से एवरीवन शुड हैव हिज हर ओन प्लान ऑफ स्टडी, ठीक है। प्लान ऑफ स्टडी है क्या और क्यों बनाना चाहिए? देखिए, प्लान ऑफ स्टडी एक ऐसी चीज है जो एक सक्सेसफुल और एक एक्सट्रीम सक्सेसफुल पर्सन के बीच में ये डिफरेंस होता है कि प्लान ऑफ स्टडी क्या है। आप भले जॉब में होंगे फिर भी यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान ऑफ स्टडी, प्लान फॉर द डे कि आपको करना क्या है। वैसे ही आपके पास दिन में है 24 घंटे, ठीक है, क्योंकि अब ये आपका पेपर अप्रैल में ही है तो ये बातें भी बताने का टाइम आ गया है। आपके दिन में 24 घंटे है, ठीक है। हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, 8 आवर की आप स्लीप लेंगे, ठीक है, 8 घंटा मिसलेनियस और 8 आवर ऑफ स्टडी अगर आप करते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे जॉब नहीं कर रहे, जो पूरी तरीके से मेरे भाई बंधु जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, उनका मिसलेनियस कम होके हम कितना कह सकते हैं कि इट वुड कम डाउन टू व्हाट 4, ठीक है, कि हाँ वो 4 घंटे दिन में टीवी देख लिया, खाना खा लिया, खेल लिया। अब जो मेरे भाई बंधु जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो 8 घंटा उनकी जॉब है, तो एक आपका स्टडी पैटर्न होना चाहिए। अगर जॉब भी कर रहे हैं आपको दिन में 6 to 12 hours ऑफ स्टडी करनी है। कैसी स्टडी करनी है? क्वालिटी स्टडी, नॉट क्वांटिटी वाइज कि हाँ बुक खोल के बैठे रहे, अच्छा पापा देख लो पढ़ रहे हैं सुबह से, डांटिए मत, ठीक है, नाम रोशन करेंगे, नहीं ऐसे नहीं। क्वालिटी स्टडी करनी है, 1 घंटा पढ़िए लेकिन उस 1 घंटे का आउटपुट बहुत आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आपके टेक्निकल सब्जेक्ट, आपको 4 साल के टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं ना, आपका अगर आप मान लीजिए हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, आपका 60 to 70% टाइम तो आपको अपने CBT 2 के जो सब्जेक्ट है उनको देना है, ठीक है, CBT 2 के। और जो रिमेनिंग 30 to 40% टाइम है वो आपको CBT 1 के लिए देना है। आप हर दिन एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, मैथ उठा लीजिए, एक पेपर करा मैथ्स का कोई भी, या प्रीवियस ईयर 20-25 क्वेश्चन का है और एक को टॉपिक रिवाइज कर लिया, अगले दिन GA फिर साइंस कर ली, ठीक है। तो ऐसे अगर आप स्टडी वाइज करेंगे, ठीक है, तब आपको आरआरबी जेई का CBT 1 क्लियर करने से रोक नहीं सकते और आपके पास एक एडवांटेज होगी क्योंकि आपने मैक्सिमम टाइम किसको दिया, CBT 2 को, ओके। तो आपका उस टाइम जो 1.5 महीना बचेगा आफ्टर CBT 1 आपको सिर्फ रिविजन करनी होगी और आपके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको कोई भी चीज नहीं पढ़नी होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका पेपर है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल आपका पेपर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम 1 अप्रैल आपको सिर्फ CBT 1 का पढ़ना, मतलब पेपर से 1-2 से 3 हफ्ते पहले सिर्फ आपको CBT 1 पे ध्यान देना है, MCQ सॉल्व करने, एलिमिनेशन टेक्निक को रिवाइज करना है जो मैंने बताई थी, ठीक है, और टाइम वाइज करना है। पेपर अगर आपका 1.5 घंटे का है तो आप टाइमर लगाएंगे 1 hour 10 minutes का, आप टाइमर कितना लगाएंगे 1 hour 10 minutes का। ऐसा होगा क्या, आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपका टाइम होगा कितना, 20 minutes। अब आप उस 20 minutes में क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको आते नहीं आप उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल है आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, और 20 minutes में आपकी एंट्रीज है, बबलिंग आप उसको देख सकते हैं, और आपका एक तो सॉरी बबलिंग तो होगी क्योंकि आपका क्या है CBT है, मतलब कंप्यूटर पे टेस्ट है, तो आप एक बार हर एक आंसर पे जाकर हाँ मैंने सही ऑप्शन मार्क करा तो आप कर सकते हैं। तो 20 मिनट बहुत डिफरेंस बनाते हैं, इसलिए कह रहा हूं टाइमर लगाकर करना, टेबल पे बैठ के माहौल बनाना, और हमारी भी टेस्ट सीरीज लाइव है आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा मेरे को एक थोड़ा मतलब स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट, प्रोफेशनल एनवायरमेंट मिले, तो डाइनिंग टेबल पे बैठिए करके मम्मी को कहिए मम्मी किस सर पे रहो, ठीक है, टाइमर दीजिए 70 मिनट से पेपर करिए, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल चीज है नहीं है,
ओके चलिए। अब हमने कल एट द यूनियन लेवल जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था हमने उसको पूरा पढ़ लिया था। अब आज हम किस पर पढ़ेंगे? स्टेट लेवल पे। ठीक है, स्टेट लेवल पे आपको पता होगा इन इंडिया वी हैव गॉट अ थ्री टायर गवर्नमेंट। इन इंडिया वी हैव गॉट अ व्हाट? थ्री टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थ्री टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी। क्या क्या है? सेंटर। सेंटर में क्या आता है आपका? पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट में कौन से आते हैं आपके? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, फिर क्या आता है आपका? स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में आपका क्या आता है? देखिए, आपका आता है एक तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज, फिर आपका आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, क्या क्या है वो भी हमने पढ़ना है, और फिर आपका क्या आता है? गवर्नर। गवर्नर, ठीक है। ठीक है, और एंड में क्या आता है हमारा? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। क्या आता है हमारा? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ये कहां होती है आपकी? डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये हमारी थ्री टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने सेंट्रल लेवल कर लिया अच्छे से, अब हमें करना है कौन सा? स्टेट लेवल। देखिए, स्टेट लेवल में हमारे जैसे वहां क्या आता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद क्या आता है हमारा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बाद क्या आता है हमारा? सुप्रीम कोर्ट। वैसे यहां क्या होता है? यहां होता है आपका गवर्नर, विच इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट, आप ऐसे बोल सकते हैं। फिर आप क्या होता है हमारा? लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो हमारे वहां क्या होता था? पार्लियामेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे यहां पे? हम इसी में क्या पढ़ते हैं? चीफ मिनिस्टर, सीएम भी इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बाद क्या आता है हमारा? हाईकोर्ट। मेरे ख्याल से मैंने एक आपको मतलब स्टेट कैपिटल्स और कौन सी स्टेट का कौन सा हाईकोर्ट है उसकी एक मैंने आपको लिस्ट भेजी थी, शायद से आपका पहुंच गया होगी, नहीं पहुंची तो वो भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, मैंने मतलब अच्छे से उसमें लिखा हुआ है कौन सा हाईकोर्ट किस में है। ठीक है, और हर एक स्टेट का अपना खुद का हाईकोर्ट है नहीं। स्टेट्स आर 29 बट हाईकोर्ट उससे कम नंबर्स के हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हैं। देखिए, हमारे पास टोटल 29 स्टेट्स प्लस 7 यूटीज हैं, तो हमारे पास कायदे से तो हाईकोर्ट कितने होने चाहिए? 36 हाईकोर्ट होने चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितने? समवॉट अराउंड 25। ठीक है, अभी अभी जो आंध्र प्रदेश का जो कोर्ट अलग हुआ है, जो विजयनगर या विजयवाड़ा में तो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, उससे हमारे कोर्ट के वैल्यू एक बढ़ गए, सच से इट्स नाउ 23 और 24। वो आप एक बार चेक कर लेना नेट पे, इतना डीप में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आप एक बार चेक कर लेना कि नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स एट प्रेजेंट। ठीक है, आंध्र प्रदेश और मतलब तेलंगाना का आफ्टर 2014 वो दोनों शेयर कर रहे थे कौन सा? हैदराबाद हाई कोर्ट। बट अब दोनों स्टेट्स अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, तो जो तेलंगाना वालों थे उन्होंने आवाज उठाई, ठीक है, आंध्र प्रदेश वालों ने भी आवाज उठाई, तो अब उनका कोर्ट अलग हो गया। तो आंध्र प्रदेश का कोर्ट इज नाउ इन आइदर विजयनगर और इन विजयवाड़ा। ठीक है, और अब आंध्र प्रदेश के आफ्टर 10 इयर्स मतलब 2024 में क्या कैपिटल होगी? अमरावती। ठीक है, स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, तो हैदराबाद अभी दोनों शेयर कर रहे हैं। मैंने आपको जो स्टेट से कैपिटल पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया। ठीक है, हाई कोर्ट्स होते हैं। ओके, हमारे को स्टेट लेवल पे इतना पढ़ना है। ओके, तो शुरू करते हैं, फिर हम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं।
क्या पढ़ना है हमारे को, गवर्नर, ठीक है। एक तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सेम एज प्रेसिडेंट, मतलब लर्नर होना चाहिए, शुड बी एबल टू क्वालिफाई अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और इन मतलब इन मतलब रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट्स शुड बी दी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम स्टेट। मतलब अगर आप जैसे पंजाब के हैं, ठीक है, मेरा तो भाई बंधु तो तैयारी कर रहा है, ईस्ट पंजाब, यानी विशेष टू बी अ गवर्नर, तो वो कभी भी पंजाब के गवर्नर नहीं बन पाएंगे, अनलेस एंड अंटिल इट्स अ वेरी एक्सेप्शनल केस, ठीक है। जैसे कि आप हरियाणा के गवर्नर है और पंजाब के गवर्नर की इन ऑफिस डेथ हो गई, या ही हैज मतलब उन्होंने किसी कारणवश फॉर दिस पर्सनल रीजंस, ठीक है, उन्होंने जॉब छोड़ दिया, उन्हें जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है, तब आपको टेम्परेरी एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है, ठीक है ना, परमानेंट नहीं होंगे, ठीक है। शुड नॉट बी फ्रॉम सेम स्टेट, ये कन्वेंशन है, नॉट अ लीगल थिंग बट अ कन्वेंशन, शुड नॉट बी फ्रॉम सेम स्टेट, ठीक है। और मतलब टेन्योर का कुछ होता है नहीं, जैसे अगर आप बोलो कि एज है नहीं, शीला दीक्षित वाज़ दी मतलब टिल दिस मंथ ओनली, टिल जनवरी 2019 शी वाज़ दी गवर्नर ऑफ वन ऑफ दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है, एंड शी इज 80 प्लस स्टिल, तो इसमें कोई एज बार होता नहीं, बस एक ऐसा कहा जाता है कि मस्ट बी अ लर्नड पर्सन, मस्ट बी अ लर्नड एंड एन एक्सपीरियंस पर्सन, ओके। कैन बी गवर्नर ऑफ वन ऑफ मोस्ट स्टेट्स, मतलब एक सेट से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ यूटीज गवर्नर इज कॉल्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, गवर्नर इज कॉल्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे हमारी दिल्ली में, ठीक है। तो और हाँ एक और चीज, जो हमारे सीजीआई हैं उनका मैं नकल नाम बताना भूल गया था, क्या है उनका नाम, रंजन गोगाई, ठीक है, सीजीआई इज रंजन गोगाई, ठीक है। अब आपको ये मतलब आप कहेंगे सर क्या सारे गवर्नर रहते हैं, नहीं, ठीक है, अभी ना मतलब रिसेंटली 10-12 स्टेट्स के गवर्नर बने, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो अभी भी बने हैं। और एक सत्यपाल मलिक आप याद कर लीजिए, ठीक है, जेएनके के कौन गवर्नर है, सत्यपाल मलिक, क्योंकि ये बहुत न्यूज में अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहां पर, तो ये आ सकता है सत्यपाल मलिक, ठीक है। और ये यूपी के कौन है, क्योंकि अभी यहां पे कुंभ मेला हुआ है, यूपी गवर्नर कौन है, राम नायक, बाकी जो है आपको याद करने तो कर ली थी, इन दोनों को याद रखना क्योंकि ये स्टेट जो ना न्यूज में थी, क्योंकि यहाँ पे कुंभ मेला और यहाँ पे तो मतलब न्यूज में रहती है स्टेट, क्योंकि यहाँ पे अभी पहले गवर्नर रूल था और अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, ठीक है। ये है हमारे क्या गवर्नर, ठीक है, पावर्स सेम एज प्रेसिडेंट, मतलब पार्डन भी कर सकते हैं लेकिन बट नॉट डेथ सेंटेंस, पावर आर सेम एज प्रेसिडेंट, मिलिट्री कोर्ट की ये सुनवाई नहीं कर सकते और डेथ सेंटेंस भी बिना प्रेसिडेंट के नोट के नहीं कर सकते, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। स्टार का मतलब है, मैं यहां लिख रहा हूं, स्टार का मतलब है नॉट डेथ पेनल्टी, मैं डी के लिख रहा हूं, कांट हेयर क्या मिलिट्री कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है, ओके। और कौन सा आर्टिकल से इतना कभी पूछते नहीं है, नोट्स में लिखा है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे मैं तो ये एडवाइस करूंगा जितना हो रहा है क्लास में उसको पहले पढ़ लीजिए तो आपको अपना समझ में आता है, क्योंकि फैक्चुअल देखिए दिमाग खराब कर देते हैं,
बहुत दर्द होता है सर, ठीक है, मेरा भी होता था, तो मैंने तो एक ही चीज लगाई है, पहले जो सारे कंसेप्चुअल चीजें उनको पढ़ लो। फैट्स अपने आप इतनी बार पढ़ लेते हैं कि याद हो ही जाता है, ठीक है, फैट्स इतनी बार पढ़ लो कि अपने आप ही याद हो जाएंगे। ओके, तो अब गवर्नर हो गया, अब आगे चलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे चलेंगे, ठीक है, चलिए, हमारा गवर्नर हो गया। अब किसे चलते हैं हम, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, उसमें चलते हैं। इनको और क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, एलएस, ठीक है, इनसे कौन इलेक्ट होते हैं, एमएलएस, ठीक है, और सारी शेप्स में ये हमें पता है, ठीक है, सेम एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इसमें, सेम एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बस स्टेट लिस्ट पर फैसला देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, सेम एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, एमएलएस कैन वोट, कहां पे कैन वोट इन इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, बाकी सब ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है, और एक कन्वेंशन है कि 60 से ज्यादा सीट्स होनी चाहिए, ठीक है, 60 से ज्यादा और मतलब 400 समथिंग से कम, ठीक है, लेकिन यूपी में 400 से ज्यादा और 60 से कम बहुत सेट होंगे, गोवा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में तो अभी 40 भी है, उससे पहले 32 थी, ठीक है, तो इट्स ओनली ओनली अ कन्वेंशन, ठीक है, और आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इससे ही क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्वेश्चन अनिवार्य है आना, और आना भी चाहिए, बच्चे समझते हैं ना, देखिए दीज आर इलेक्टेड, दिस इज एन इलेक्टेड बॉडी, मतलब जो इलेक्शन में वोट डालते हैं उससे हमारे एमएलए बनते हैं, ठीक है, यही क्या होता है, दीज आर नॉमिनेटेड, कौन करता, पार्टीज करते हैं, जैसे इन राज्यसभा इनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, इनके कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, ठीक है, और ये हर स्टेट में नहीं है, ये कहां पे है, इन एवरी स्टेट, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट इन एवरी स्टेट, ठीक है, कहां कहां पे है, एक एक्रोनिम आपको याद करना है, ठीक है, एक आपको एक्रोनिम याद करना है, ओ टू मजा कर, ओ तू मजा कर, ठीक है, देखें ओ तू मजा कर, ठीक है, लेटेस्ट कौन सा हुई है, ओडिशा, मैं लिख रहा हूं यहां पे, ओ से क्या है, ओडिशा, सॉरी अब तो नाम क्या हो गया, ओडिशा, ठीक है, तो समझने से हम ओडिशा, सॉरी, ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, ओडिशा, ओडिशा, ठीक है, ये क्या है, लेटेस्ट, पहले क्या होता था एक्रोनिम, तू मजा कर, टी से क्या है, तेलंगाना, ठीक है, यू से क्या है, यूपी, ठीक है, और एम से क्या है आपका, महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक है, ए से क्या है आपका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, जे से क्या है आपका, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और एक दो तीन चार पांच छह, और ये क्या हो गया आपका, कर्नाटका, ठीक है, ओके, तो इतनी शेष हमारा क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कितनी सीट्स हमारी, सेवन,
ओके। तो मैं ढूंढेंगे सेवन यार, यूपी बिहार तो भी एक सेकंड ढूंढेंगे। इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं, एक रॉबिन, ठीक है, आपने इसको तो नोट कर लिया होगा, बस कुछ नहीं करना। ओ तू भी मजा कर, ठीक है, बी से बिहार भी होगा, ठीक है, तो इतना तो आपने नोट कर लिया ना। मैं फिर से यहां से लिखता हूं, ठीक है, ओ तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, ये आपका पूरा क्या है, एक्रोनिम। ओके, ये आपका पूरा एक्रोनिम है, क्या है आपका, ओ तू बी मजा कर, ठीक है, ये क्या है आपका, हमें अभी पढ़ा है ओडिशा, दिस वन इज द लेटेस्ट, तेलंगाना, यूपी, बिहार, ये क्या है आपका, महाराष्ट्र, ठीक है, ये क्या है आपका, आंध्र प्रदेश, ये वाले तो ऐसे कुछ काम नहीं है, आप ये कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में एक आया आता है तुझसे और तू भी मजा कर, और एक के क्या है आपका, कर्नाटक, टोटल 8 स्टेट से यहाँ पे आपका है, और लेटेस्ट हम कौन सी है, ओडिशा, यहाँ पे लिख देता हूँ 8 स्टेट्स। और इसके बारे में एक और चीज कही है, स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 1/3 ऑफ एलएस, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली की 1/3 स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है, तो यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटी सबसे ज्यादा है और यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, दिस इज योर लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दिस इज योर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, इसको भी नोट करिए, ओ तू भी मजा कर, ठीक है, इसको भी नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, फिर हमें पढ़ना है हाई कोर्ट्स। ओके, फिर हम पढ़ेंगे क्या, हाई कोर्ट्स, फिर पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज, फिर आपकी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो पढ़ेंगे, देन आपका ऑलरेडी इज ओवर। ओके, चलिए मैं सो रख कर देता हूं, नंबर टू देंगे, हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो गया ना, चलिए अब क्या करना है आपको, हमें क्या पढ़ना है अभी, हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ठीक है, ठीक है, हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या आता है, एससी, फिर आता है आपका इतने सारे क्या होते हैं, एससी के नीचे भी बहुत सारे क्या होते हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, कौन सा हुआ सेकेंड हाईएस्ट बॉडी, हाई कोर्ट इज द सेकेंड हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, तो लॉ मेकिंग नहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड जुडिशियल बॉडी, ठीक है, हाई कोर्ट, ठीक है, सेम फॉर सम स्टेट्स, यूटीज, ओके, और जैसे तो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, वहां पे जो उसका हाई कोर्ट है, दैट इज जो मतलब कोलकाता हाई कोर्ट के फॉर मतलब वेस्ट बंगाल वो शेयर करता है, ठीक है, सच गुवाहाटी के साथ कैसे है, हाँ ऐसा ही है, ठीक है, और रिटायरमेंट एज फॉर एचसी जज एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नॉट 65, 62 ईयर्स, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है, आ सकता है, बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो वी हैव टू बी श्योर,
श्योर अबाउट दिस कि 62 इयर्स उसके एक हाई कोर्ट की जज और एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की एज होती है फॉर रिटायरमेंट. ठीक है, शेयर्ड बाय सम स्टेट्स एंड यूटी. ठीक है, सेम. ओके, और जो उसका ऑर्डर है वो एक सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए हम डाल सकते हैं. ये आपका हो गया. यही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेन डिफरेंस है. बाकी आपको जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का तो उससे आपको पढ़ना है. ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन कि जो हमारे क्या कहते हैं उसे कि क्या स्ट्रेंथ है स्टेट की, उतना हमारा वो बेंच बनता है. ठीक है, मैंने दिमाग में रखा तो पहले 24 था, नॉट एज 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. लेटेस्ट कौन सा, आंध्र प्रदेश का. बेंच स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. छोटी स्टेट है तो वहां पे छोटा, और अगर मतलब शेयर हो रहा है लाइक एक हाई कोर्ट चार पांच स्टेट एक साथ शेयर कर रही है तो वहां पे बेंच बड़ी होगी क्योंकि केसेस ज्यादा होंगे क्योंकि पांच स्टेट है. ठीक है, इसलिए. ओके, इसको नोट करिए. फिर हम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज पे चलेंगे. ओके ओके, आइए. चलिए, ठीक है, ओके. देखिए, मैं सिर्फ दो मिनट वेट करता हूं. ठीक है, पहली बात, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल ये हमने पढ़ा था ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम हमने उसमें पढ़ा था. पंचायत सिस्टम, म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम. ठीक है, पंचायत सिस्टम है, म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम. ये कौन सा था आपका, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA 1992. और इसके 10 बाद कौन सा आया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992. ठीक है, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है. ओके, और ये आर्टिकल 243 के अंडर आते हैं. 243 टू 243 ओ किसमें आता है, ये किसमें आती है, आर्टिकल 243. ये पूछ सकते हैं, बता रहा 243 टू 243 क्लॉज ओ. ठीक है, और क्या स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, इसमें भी थ्री टायर होता है स्ट्रक्चर. ठीक है, एट द टॉप इज क्या आपका, जिला पार्षद, पारिषद भी बोलते हैं कहीं पर, जिला पार्षद. ठीक है, फिर क्या आता है आपका, ब्लॉक समिति. ब्लॉक समिति, और फिर क्या आता है आपका, ग्राम पंचायत. ठीक है, ब्लॉक समिति. ठीक है, इसको आप एक और चीज बोल सकते हैं क्या, पंचायत समिति. ठीक है, ये क्या होता है आपका, एट एवरी विलेज लेवल. ठीक है, जैसे चार पांच विलेज का फिर क्लस्टर हुआ, ये हुआ, और फिर उन चार पांच विलेज कितनी डिस्ट्रिक्ट में कितने ऐसे ब्लॉक से उनकी कमेटी होगी, जिला परिषद. इसमें आपका एमएलए भी बैठता है, इसमें आपका सारे जो मतलब जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, वो आते हैं. ठीक है, ब्लॉक समिति का जो हेड होगा वो आएगा. ठीक है, ओके. ठीक है, अब देखिए ये आपका किसमें आता है, ये आता है आपका आर्टिकल 243 पी टू 243 क्लॉज जेड जी. ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले तो आता है क्या आपका, मेयर. ठीक है, या म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे दिल्ली में क्या है, एनडीएमसी, एसडीएमसी. ठीक है, और फिर क्या आता है आपका, मतलब ब्लॉक लेवल पे. ठीक है, उसका बोलते हैं ब्लॉक काउंसिल, और फिर क्या आता है आपका. ठीक है, जैसे जो सबसे टॉप लेवल वाला होता है उसके बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो मैं एक आपका जनरल टर्म बता रहा हूं, उसका बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल,
ब्लॉक काउंसिल, जैसे इसमें ब्लॉक होता है और इसमें क्या होगा आपका टाउन। कहीं पे टाउन कहीं पे सिटी या अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें ना तीन हमारे डिविजन होते हैं, इसमें हमारे तीन डिविजन होते हैं। ओके देखिए सबसे पहले तो होता है कि एक हमारा होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, एक होता है हमारा नगर पालिका या नगर पंचायत, ठीक है, और एक होता है हमारा म्यूनिसिपल काउंसिल। ठीक है, कॉर्पोरेशन होती है सबसे पहले क्या होता है हमारा नगर पंचायत। ठीक है, मैं बताता हूं इसे, जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है, या आपको ये इनके नाम डिपेंड करते हैं फ्रॉम जो भी आपके पॉपुलेशन है। नगर पंचायत क्या होनी चाहिए, इसकी पॉपुलेशन 30,000 to 1,00,000। ठीक है, फिर आपका क्या आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और क्या है ये फिर हमारा म्यूनिसिपल काउंसिल एम काउंसिल्स मोर देन 2,00,000। ठीक है, ये होता है आपका फॉर पॉपुलेशन बेसिस पे हमारा कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, ठीक है, ये की जो इनका नाम है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, ये क्या होगा जहां पे 30,000 से 1,00,000 का पॉपुलेशन वहां सबसे टॉप लेवल का कहेंगे नगर पंचायत, जहां 1,00,000 से ज्यादा और 2,00,000 से कम है वहां क्या कहेंगे हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जहां पे पॉपुलेशन हमारी 2,00,000 से ज्यादा वहां क्या कहेंगे म्यूनिसिपल काउंसिल। तीनों में सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है, वो होता है क्या मेयर। नगर पंचायत नगर पालिका आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है थ्री टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज, ओके इनको नोट करिए। ठीक है, फिर आपको मैं थोड़ी से फैक्ट बताऊंगा जिसको क्या कहते हैं ट्रिविया। ठीक है, कि फर्स्ट ऑपरेशन कहां पे थी, ओके, और ये सब। चलिए, ये आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, जो पेट क्वेश्चन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आए हुए हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर मैंने जो देखे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब आप बोलेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस हुई नहीं, इन 1688 कौन सी थी, ये मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और ये आउटसाइड यूके फर्स्ट इन दी वर्ल्ड भी थी, आउटसाइड यूके फर्स्ट इन दी वर्ल्ड इन दी कॉमनवेल्थ नेशंस। ठीक है, जिसपे जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। ठीक है, 1688। ठीक है, और जो बॉम्बे और कोलकाता के थे वो कब एस्टैब्लिश हुए थे, बॉम्बे एंड कलकत्ता, बॉम्बे एंड कलकत्ता के जो हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कब एस्टैब्लिश हुए थे, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश इन 1722 में इनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, सॉरी सॉरी, वो 1688 है, 1726। ठीक है, ओके okay।
चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पीएससी। ठीक है, इसकी रिटायरमेंट एज क्या है, इसकी डिपेंड्स अगर जैसे एक या दो स्टेट्स है उनकी जॉइंट कमीशन है। ठीक है, इसमें दो कैसे बनते हैं, जॉइंट कमीशन मतलब वन और मोर स्टेट्स टुगेदर तो कितनी हो जाएगी 62। वैसे कितनी है नॉर्मली 65, 62 years एंड 65 years। इनका का काम है सर्विस में इंडक्ट करना, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न कंडक्ट करना। इन्हें हटा कौन सकता है, ओनली प्रेसिडेंट। ठीक है, बोथ कैन बी रिमूव्ड। नॉट गवर्नर ऑल्सो कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट। स्टेट का तो एडवाइस ऑन पीएम और सेंटर का तो हम एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर सीएम है। ठीक है, ये आपका क्या होगी यूपीएससी, क्या करते हैं ये एग्जाम मतलब करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, और जो भी सारे एग्जाम्स होते हैं जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपकी पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, इन सब की जो सर्विसेज होती है। ठीक है, विच आर मोर ब्रॉडर नेचर। ठीक है, जनरल नेचर मतलब जनरल सर्विस। ठीक है, आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, आप टेक्निकल सर्विस, आप बहुत ही एक मतलब प्रोफेशनल सर्विस हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आईएएस होते हैं दे आर मोर जनरल सर्विस वाले। ठीक है, उनको ये माना जाता है कि एक आईएएस को हर एक फील्ड की नॉलेज होती है। ही इज एज अकस्टम टू रेलवे एज ही इज अकस्टम टू शिपमेंट्स, तो उसको हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। ही इज मोर जनरल सर्विस, लेकिन आप क्या है, आप एक टेक्निकल सर्विस है, आप एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं। सो यू आर अ स्पेशलिस्ट, ही इज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, तो इन सर्विस को और भी क्या कहते हैं, जर्नल सर्विस। ठीक है, यूपीएससी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं किसपे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन इज इंपॉर्टेंट दिस ईयर, क्योंकि इस साल क्या है हमारे लोकसभा के इलेक्शन। ठीक है, तो अगली कौन सी बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले थी एक मेंबर की बॉडी, फिर स्टेट में झगड़ा होने लगा तो वही दो मेंबर की, अभी कितनी, थ्री मेंबर बॉडी। ठीक है, क्या ये है, थ्री मेंबर बॉडी, कैसे, थ्री वन सीसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस टू इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, सीसी को कौन रिमूव कर सकता है, एज लाइक द सेम प्रोसेस एज मतलब सीजीआई इम्पीचमेंट मोशन, ये ईसी को प्रेसिडेंट ओनली विद द एडवाइस ऑफ सीसी। ठीक है, क्या एज रिटायरमेंट की, 65 years। ठीक है, 65 years है। ओके, अब हमारे को और भी बातें पढ़नी है। ठीक है, एक ट्रिविया है, फर्स्ट सीसी कौन था हमारा, सुकुमार सेन। प्रेसिडेंट का आप नाम पता लगाएंगे खुद से, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से सर्च करेंगे और प्रेसिडेंट का पता लगाएंगे। ये ट्रिविया है, मैंने बता दी कि आ सकता था। ठीक है, अब तीन आर्टिकल्स हैं, मतलब कब एस्टैब्लिश हुए, सबसे पहले एस्टैब्लिश्ड इन, एस्टैब्लिश ऑन, एस्टैब्लिश ऑन 25 जनवरी मतलब 26 जनवरी से एक दिन पहले 1950 अंडर आर्टिकल 324। तो मतलब आर्टिकल 324 का कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो तीन आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, 324, 325 और 326। ये क्या कहता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वन स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी
इलेक्टोरल रोल, मतलब कौन सा इलेक्टोरल रोल जिसमें आपका नाम लिखा होता है कि हाँ आपका वोट डालने के लिए एलिजिबल है या नहीं, ठीक है। और 326 से कहता है, 326 says इलेक्शन हेल्ड विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल अडल्ट, मतलब यूनिवर्सल सफरेज लिख रहे, मतलब अबव 18 का हर एक बंदा वोट डाल सकता है, ठीक है, अबव 18 कैन वोट, ऐसे लिख रही थी, मैं यहां लिख रहा हूं ब्लैक पेन पे। Above 18 can vote. Above 18 can vote. ठीक है, बाकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल होती है, स्टेट होती है, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आपको पढ़ना है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं होता, याद है कि 1% ऑफ सीट जीतनी होती है, नेशनल है तो उसको एक स्टेट से ज्यादा स्टेट से 1% ऑफ सीट जीतनी है, जैसे वो 2 या 3% होता है। और अगर आप एक स्टेट हैं तो आपको एक मतलब स्टेट पार्टी की तरह अगर आपको बनना है तो आपको उस स्टेट से कुछ सीट जीतनी पड़ेंगे जिससे आप एक एक्चुअल एक मतलब स्टेट पार्टी क्लियर हो जाएंगे, जैसे 2 या 3% सीट को डिपेंड करता है कितनी है, ठीक है। और अगर बहुत कम है उसका टू, जैसे 30 का 1% इज 1, 3, ठीक है। और अगर किसी सेट में जैसे गोवा में बहुत कम सीट्स हैं तो उसका 3% तो बहुत कम होगा, तो एक मिनिमम क्या रखते हैं कि 3 सीट्स और 3% विच एवरेज लेसर, ओके। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये कौन सी बॉडीज होगी। चलिए अब हमारे को पढ़ना है क्या, प्लानिंग कमीशन, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया, नीति आयोग। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। चलिए अब क्या पढ़ेंगे, हम प्लानिंग कमीशन। नाउ नीति आयोग, नाउ नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। क्या कहती है प्लानिंग कमीशन, हमें देखना है। प्लानिंग कमीशन क्या कहती है, ठीक है, इट प्लान्स फॉर स्टेट्स, ये एक सेट में याद रखनी है। चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है इसका, पीएम होता है हमेशा, ठीक है। और एक होता है वाइस चेयरमैन, और एक होता है क्या आपका सीईओ, वाइस चेयरमैन एंड सीईओ, ठीक है। सीईओ कौन है आपके, अमिताभ कांत, वेरी लर्नड मैन भाई, नीति आयोग हेड कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब बहुत ही लर्नड होंगे। और ये कौन है आपके, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार, जैसे दोनों आईएएस ही हैं, ठीक है, डॉक्टर राजीव कुमार। ये आपका प्लानिंग कमीशन, जो क्या हो गया, नीति आयोग, ठीक है। प्लानिंग कमीशन हट चुका है, ठीक है, जो इंडिया गवर्नमेंट हिस्सा लाई थी 2014 में, उसने आती ही सबसे पहले एक काम किया बहुत अच्छा कि प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग करती। प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, 5 ईयर प्लान देती थी, ये आपको इकोनॉमिक वाली मैम ने भी पढ़ाया होगा, ठीक है, 5 ईयर प्लान। अब वो हटा के क्या हो गया, विजन 2030, ठीक है, ये हो चुका है, अब हमारा 5 ईयर प्लान हट चुके हैं, ठीक है, इसको नोट करिए, ओके। फिर हमें क्या पढ़ना है आगे, और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जैसे अच्छा आपकी इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ओके। ये क्या है आपकी, एग्जीक्यूटिव बॉडी है प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन इज योर एग्जीक्यूटिव बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोला, लेकिन एक पैनल बैठा था, पैनल ने विदाउट किसी लॉ बोला कि हमारे को प्लानिंग कमीशन बनानी चाहिए, तो इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अब आते हैं किस पे, फाइनेंस कमीशन, ओके, फाइनेंस कमीशन पे आते हैं आप, ठीक है, चलिए, ठीक है, फाइनेंस कमीशन,
ठीक है, ये क्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्लानिंग कमीशन नहीं थे बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है सबसे पहले आर्टिकल 280 कहता है कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है प्रेजेंट कौन सी तरह है 14 फाइनेंस कमीशन। ठीक है 15 चलेंगी अभी, ठीक है किसके अंडर, एनके सिंह के अंडर। 15 इंपॉर्टेंट टेक्निकल चलने वाली है, ठीक है दिस इज रनिंग, खत्म होने वाली चर्चा खत्म हो गई है और ये इसका भी ट्रेनर स्टार्ट होगा। ठीक है टू स्टार्ट, क्या कॉम्पोजिशन होती है 4+1। ठीक है ये क्या हुआ आपका चेयरमैन जो 15 फाइनेंस कमीशन के अंडर कौन है, एनके सिंह, और 4 का हुआ आपके मेंबर्स। क्या काम होता है उसका, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने कि कैसे स्टेट्स को कितना टैक्स देना है, किस तरीके से डिवाइड करना है और क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या फाइनेंशियल कंडीशन हमारी कंट्री का और उसको क्या आगे करना चाहिए जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन और अच्छी हो जाए। ठीक है इसको नोट करें। तो इसी के साथ हमारा पॉलिटी में मेरी साइड से दो मेरे को लगता था इंपॉर्टेंट है, मैंने सब करवा दिया है। ठीक है अब आपके ऊपर है आप कितना पढ़ते हैं क्वालिटी और आपको क्या डाउट आता है। आप अगर हमको डाउट भेजेंगे कि सर अच्छा ये सर ने नहीं पढ़ाया या इसमें मेरे को डाउट है या समझ में नहीं आया, ठीक है नोट्स आएंगे तो अच्छे तरीके नोट्स तक का वेट भी कर सकते हैं या अपना किसी बुक से पढ़ा तो वो भी बता सकते हैं। तो मैं कंसोलिडेट करके डाउट सेक्शन रखूंगा। ठीक है मैं तो चाहता हूँ कि जितना बोले तो मैं उतने डाउट सेशन रखूं। ओके तो एक डाउट सेशन का है कि आप जो डाउट बोलेंगे ज्योग्राफी होगी पॉलिटी होगी इनमें तो उसका एक डाउट सेशन रखूं, लेकिन उसके अलावा डाउट भेजने पड़ेंगे। ओके और नोट जो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, बन रहे हैं बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही क्रिस्प और बहुत बढ़िया नोट्स हैं जो क्लास में हुए हैं लेक्चर्स उसी से हैं रिलेटेड। तो किसी ने अगर सिर्फ लेक्चर्स में और ये कर रहा है कि हमारे नोट्स लिखने मन नहीं है तो उसका भी काम चल जाएगा। ठीक है तो आर्टिकल जिस जिसमें मैंने बताया उसमें याद रखना है, ठीक है जिसमें मैंने बताया उसमें आपकी मर्जी आपको याद करना है नहीं। ठीक है आर्टिकल्स बहुत कम ही पूछते हैं, ठीक है फंडामेंटल राइट्स का आप चाहें तो कर सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ आपको एक नाम से याद होनी चाहिए, वो पूछेगा कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी तो आपको आउट ऑफ द 4 आपको मार्क करना है। ठीक है ऑप्शन एलिमिनेशन का जनरल अवेयरनेस बहुत यूज करना है, इकोनॉमिक्स का भी आई थिंक आपको खत्म होने वाले होंगे लेक्चर्स। सो ठीक है ऑल द बेस्ट, पेपर्स करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है टाइम डिवाइड करें जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था। ठीक है तो इसके बाद हम क्या पकड़ेंगे, करंट अफेयर्स। ठीक है करंट अफेयर्स हम पकड़ेंगे और पहले तो मैं आपको जो भी मेरे को लगता है कि मेन है वो मैं करवा दूंगा, फिर जब आपके एग्जाम्स होंगे मैं उससे थोड़ा पहले आऊंगा। ओके और 2 या 3 हफ्ते पहले मैं आपके जितने फ्रॉम अप्रैल या जून 2018 टू अप्रैल नहीं टिल मार्च 2019 मैं आपको करवा दूंगा सारे करंट अफेयर्स। ठीक है तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।